समाजवादी पार्टी की नीतियों और पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विचारों से सहमत कांग्रेसी नेता सम्राट मौर्य अपने सहयोगियों के साथ समाजवादी पार्टी योजन सभा संगठन में शामिल हुए। सपा योजन सभा के जिला मीडिया प्रभारी मोहम्मद रहबर सिद्दीकी ने बताया कि कांग्रेस जिला संगठन के जिला महासचिव पद पर रहे सम्राट मौर्य अपने सहयोगियों के साथ समाजवादी पार्टी योजन सभा के जिला अध्यक्ष शमशाद खान जैसी के नेतृत्व में सपा में शामिल हुए। क्या नाम? शमशाद खान जैसी, योजन सभा जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अमेठी। किस तरह का आज प्रोग्राम? आज विधानसभा तुलई 178 जो कांग्रेस के बहुत ही मजबूत और बहुत ही शानदार नेता जो आज पार्टी समाजवादी पार्टी के पहला चरण चुनाव देखने के बाद जो आज समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कामों को देखकर आज विधानसभा तुलई 178 को मजबूत करने के लिए ये हमारे साथ जुड़ने का काम किया। ये जिला महासचिव भी थे। किस पार्टी से थे? कांग्रेस से पार्टी से थे, ये जिला सचिव थे जी। और इनका नाम सम्राट विनोद मौर्या बहादुरपुर विधानसभा के हैं, ये जिले के पदाधिकारी थे आज जो समाजवादी पार्टी में जुड़ने का काम किया। जो अपने काफी तादाद में जो मौर्य समाज है, जो अन्य बिरादरी है, जो इनके बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, जो इनके प्रभाव रखते हैं, वो अपने पूरे साथियों के साथ समाजवादी पार्टी योजन सभा में जुड़ने का काम किया है। क्या नाम भैया? मेरा नाम सम्राट विनोद मौर्य है, ग्राम बहादुरपुर विधानसभा अमेठी तिलोई। तिलोई है। किस पार्टी से पहले इस बार पहले थे आप? पहले हम कांग्रेस पार्टी में थे और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में जिला महासचिव के पद पर था। क्या अच्छाइयां देख के आप समाजवादी में ज्वाइन हुए? उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ रहा है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को नेस्ता नाबूद करने के लिए, प्रदेश में सरकार बनाने में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मदद करने के लिए आज हम समाजवादी पार्टी योजन सभा में शामिल हुए हैं। कितने लोग हुए हैं शामिल आपके साथ? हमारे साथ हमारे शुभचिंतक और हमारे समाज के सभी लोग।